अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर कश्मीर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डिस्कवर कश्मीर जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब है। मैं रिसेंटली अब्रॉड से आया हूँ, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। मेरे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, आज़ाद कश्मीर घूमने आए थे। तो अभी हम आज़ाद कश्मीर से अंदर आए हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि हम 2 घंटे पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इस एरिया तक। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को डिस्कवर करें। तो गवर्नमेंट से अपील ये है कि जितनी ज़्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इधर का अच्छा होगा, लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आएंगे, उतने ही यहाँ पर लोगों का रोज़गार भी अच्छा होगा और पाकिस्तान का एक इमेज भी दूसरे मुल्कों में काफ़ी बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैं कराची से यहाँ आया हूँ विज़िट के लिए, घूमने के लिए। और माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है और हमने बहुत इंजॉय किया, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी आएँगे। और हम अपने दूसरे दोस्तों को, भाइयों को भी कहेंगे कि वो आएँ यहाँ विज़िट करें, घूमें। जो मरी जाते हैं वो इस तरफ भी आएँ। ये भी बहुत प्यारा जन्नत नज़ीर वादी है और इसके भी बहुत ही हसीन नज़ारे हैं जो हमने आज फर्स्ट टाइम देखे हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने दूसरे दोस्तों को भी ले जाएंगे। यहाँ पर एक ही मसला है कि रोड थोड़ा सा सही नहीं है। रोड अगर अच्छा हो जाएगा तो और ज़्यादा लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे। ये डिस्कवर कश्मीर जो भी ये काम कर रहा है ज़बरदस्त है। इससे पीछे एक और जगह है शीश माली, तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त है। तो ये रोड सही हो जाएगा तो यहाँ पैदल यानी 2 घंटे का सफ़र आगे, तो वहाँ भी बंदा जा सकता है। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसको, रोड को थोड़ा अच्छा करें ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग है। मैं कराची से यहाँ आया हूँ और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी, क्योंकि हम इसको पाकिस्तान का हिस्सा ही समझते हैं। हम इसको ये नहीं कहते कि ये आज़ाद कश्मीर है, हम कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान है और इसके आगे वाला हिस्सा भी हमारा ही है इंशाल्लाह। तो अभी चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, लेकिन यह है कि रेस्ट करते करते आए हैं। लेकिन अगर यहाँ सड़क बन जाए तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, और यहाँ की गवर्नमेंट अगर सीरियस लेती है जगह को तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनके कारोबार वगैरह भी कुछ रोज़गार उनको मिल जाएगा। इतनी अच्छी जगह छोड़ के इनको नहीं चल रहा, और ये बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर सिर्फ रोड का मसला है, रोड अगर यहाँ पर पहुँच जाए और लोगों को बड़ी सहूलत हो जाए, यहाँ पिकनिक मनाएँ, आएँ, बैठें, इतवार वाले दिन पूरा जो मुजफ़राबाद है, आज़ाद कश्मीर, सब यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ कमी जो है रोड की कमी, अगर यहाँ पे रोड हो जाए तो बड़ी जो लोग ज़िम्मेदारान लोग हैं वो कोशिश करें यहाँ रोड बना दें, लोगों को सहूलतें हो जाएं, ताकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी आमोदराफ्त या बीमारी में उनको अस्पताल जाने में उनको सहूलत हो। तो बस ये रिक्वेस्ट है उनसे। बाकी इलाके बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मुश्किल है वैसे, तो रोड की सहूलत इतनी नहीं है, लेकिन अगर रोड की सहूलत हो जाए तो बाहर से लोग भी आएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से जगह काफ़ी खूबसूरत है। तो मेरा नाम कासिम है, हम कराची से यहाँ घूमने के लिए आए हैं दोस्तों के साथ, और रास्ता सही है, लेकिन ये है कि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये कि मेरे हिसाब से ये कि रोड वगैरह यहाँ होने चाहिए, थोड़ा आसानी हो जाएगी, लोग आएँगे, घूमेंगे, रोज़गार भी होगा। और बैठे हैं इधर घूमने के लिए, आए दरख्त के नीचे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। यही इल्तिजा है कि यहाँ के थोड़े रोड वगैरह बना दें और इलाका वगैरह सही कर दें, तो बाहर से भी लोग आएंगे घूमने फिरने के लिए, रोज़गार मिलेगा। बाकी सही है, अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारा एक चैनल है डिस्कवर कश्मीर, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। पीने की इधर, लेकिन थोड़ी सी ये मुश्किल है कि इधर रोड का जो मसला है, वो रोड जो है ना, हुकूमत से हम जो इत्तेजा करते हैं कि वो जो है ना रोड का कुछ बंदोबस्त करें, और यहाँ के रहायशी भी हैं उनको भी आसानी हो जाएगी, और जो बाहर के लोग आते हैं और जगहों पर जाते हैं वो इधर आएँ, यकीन करें बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर घूमने की और इन्जॉय करने की। मशहूर जगह हैं शीशा माली हो गई, खुशतराड़ हो गया, चिकड़ी हो गई, जो काफ़ी खूबसूरत जगह हैं। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है यहाँ रोड अच्छी सी बनी जाए ताकि सियाहत को फ़रोग मिल सके और हमारी जो जगह है वो मशहूर हो सके।